नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा YouTube चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, हम रोज आप सभी के द्वारा भेजे ईमेल्स का विश्लेषण करते हैं, आप सभी की समस्याओं को समझते हैं और आपकी सहायता करने के उद्देश्य से वीडियोस का निर्माण करते हैं। हमारे पास रोज बहुत बड़ी संख्या में जो ईमेल्स आते हैं उनमें से एक समस्या बच्चों के विद्या अर्जन को लेकर आने वाली समस्याओं से संबंधित होती है। इसी समस्या के सटीक समाधान के साथ आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से वास्तुशास्त्र आपके बच्चों के विद्या अध्ययन में सहायता दे सकता है और किस प्रकार से बच्चों की एकाग्रता में वृद्धि करी जा सकती है। आइए अब जानें वह कौन से वास्तु उपाय हैं जिससे बच्चों के विद्या अर्जन में आने वाली समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। पहला, पढ़ने वाले कक्ष का चुनाव। जब आप बच्चे के पढ़ने वाले कक्ष का चुनाव करते हैं तब आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि पढ़ने वाला कक्ष बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। ज्यादा बड़ी जगह में स्वर गूंजता रहता है और एकाग्रता भंग करता है जिससे बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। पढ़ाई कक्ष में कोई भी बड़ी खिड़की नहीं हो जिसे सदैव खुला रखना पड़े। पढ़ाई कक्ष रसोई से दूर होना चाहिए जिससे कि किचन में होने वाले शोर से बच्चे का ध्यान भंग ना हो। पूर्व और उत्तर की दिशा बच्चे के कक्ष के लिए सर्वोत्तम होती है। दक्षिण, नैकृत्य और आग्नेय कोण पर बच्चों का कमरा नहीं होना चाहिए, इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, चित्रों का चुनाव। बच्चों के पढ़ने वाले कक्ष में श्री गणेश और माता सरस्वती जी का चित्र लगाना चाहिए। दूसरी बात यह भी देखनी चाहिए कि बच्चों की रुचि किस क्षेत्र में अधिक है, उससे संबंधित चित्र भी पढ़ाई कक्ष में लगाए जा सकते हैं। तीसरा, पढ़ने वाले कक्ष की दीवारों और पर्दों का रंग। पढ़ाई कक्ष की दीवारों और पर्दों के रंग का चुनाव माता पिता को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जन्म कुंडली के हिसाब से समझा जाए तो हर बच्चे के विद्या अर्जन भाव और भाग्य भाव का स्वामी अलग अलग होता है, जो कि बच्चे की पढ़ाई और परीक्षा में सफलता प्राप्ति से संबंधित करके देखा जाता है। इसलिए जब भी पढ़ाई कक्ष की कमरों की दीवारों और पर्दों के रंग का चुनाव करना हो तो जन्म कुंडली विश्लेषण जरूर करवाएं। चौथा, पढ़ने वाले टेबल की दिशा। बच्चों के पढ़ाई का टेबल सदैव उत्तर या पूर्व की तरफ होना चाहिए। पढ़ते समय बच्चे का मुख पूर्व की तरफ हो और पीठ पश्चिम दिशा की तरफ हो तो बहुत अच्छा रहता है। इससे विद्या अर्जन में मन लगता है और पढ़ी हुई बातें ज्यादा समय तक याद रहती हैं। पांचवा, बच्चों का कंप्यूटर टेबल। बच्चों का कंप्यूटर टेबल सदैव दक्षिण दिशा और आग्नेय कोण में रखना चाहिए। कंप्यूटर पर काम करने के बाद उसे बंद स्थिति में रखना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इससे भी बच्चों का ध्यान भंग होता है। छठा, पुस्तकों का रैक व एसी कूलर। बच्चों की पुस्तकों से संबंधित रैक नैकृत्य कोण में रखना चाहिए जिससे इस दिशा का भार बढ़े। एसी कूलर सदैव उत्तर दिशा में होना चाहिए। सातवां, उत्तर दिशा बाधित ना हो। बच्चों के कमरे में कभी भी किसी प्रकार का कबाड़ा, रद्दी पेपर नहीं रखना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जिस कमरे में पढ़ रहा है उस कमरे की उत्तर दिशा में कोई भी भारी सामान ना रखा हो। पढ़ाई वाले कक्ष की उत्तर दिशा जितनी हल्की होगी उतना अच्छा प्रभाव बच्चे को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपका बच्चा पढ़ लिख कर आपका खूब नाम रोशन करे, आपका जीवन शुभ, सफलताओं से भरा हुआ और मंगलमय हो। नमो नारायण।